अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया है कि हम संख्या में से एक संख्या दी है कुछ, तो उस संख्याओं में से क्या घटाएं कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमें दिया है 402, इसका वर्गमूल करते हैं तो देखो पेयर बनाएंगे, तो एक इसका वर्ग है, दो का वर्ग या दो के वर्ग से कम होना चाहिए, तो देखो प्लस हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस 4 और 0 2 हो जाएगा। तो देखो यदि हम एक लगाएं, एक से गुणा करें तो 41 आएगा जो कि इससे ज़्यादा है। यहाँ पे हम 0 लगा के करते हैं, देखो 0 को किसी से भी गुणा करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और शेषफल कितना बचेगा, 2 हमारे पास शेषफल बचा। और यहाँ पे आंसर देखो क्या आएगा, 2 और ये 0 है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 402 में से 2 घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। तो क्या करेंगे, 402 में से 2 घटाया कितना हो गया, 400, और 400 का जो वर्गमूल होगा हमें पता है कितना आएगा, 20 आएगा। इसी प्रकार बी पार्ट करते हैं, इसका हमें दिया है 1989, तो हम देखो इसके भी दो दो युग्म बना लिए, 19 का वर्ग, तो किसका वर्ग 19 से कम है, 4 का वर्ग, 4 चौका 16, तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा 389। तो हम 8 के आगे क्या ऐसी संख्या लगाएं कि उसी से गुणा करने पर 389 कम संख्या बने, तो यहाँ पे हम 4 लगा के देखते हैं, जैसे 4 चौका 16 और 8 चौका 32 और 1 33, 336 देखो 389 से कम है। यदि हम 5 से गुणा करें तो वो संख्या इससे ज़्यादा बनेगी, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, गुणा किया 4 से, तो यहाँ पे आएगा 336 और शेषफल कितना बचेगा, 3 और 5, 53 अपना शेषफल बचा। तो यहाँ पे शेषफल ऊपर क्या आएगा, देखो ये 4 और ये भी 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1989 में से 53 घटाने पर यह क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं कि 1989 माइनस 53, 53 घटाएंगे तो 9 में से 5 के 6, 8 में से 5 के 3, 1936। 1936 का यदि हम वर्गमूल देखें तो क्या आएगा, 44 आएगा। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और करते हैं, इसका तीसरा, तीसरे में देखो हमें संख्या दी है 3950, इसका सी। इसमें भी देखो दो दो के पेयर बनाए, किसका वर्ग करेंगे 32 से कम है, 5 का वर्ग 25 और 6 का 36 होता है, तो 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 25, यहाँ पे तो 10 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने बचेंगे, 750, यहाँ पे 5। अब हम एक 10 के आगे क्या संख्या लगेंगे, मान लो 10 के आगे हमने 7 लगाया तो 49 और 749 लगभग इसके पास है, तो 7 लगाया, 7 से गुणा किया, 749 और माइनस करेंगे, 1 बचेगा शेष पर, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3250 में से 1 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। इसी प्रकार के आगे दो क्वेश्चन हैं, वो आप आसानी से कर सकते हो। तो यदि हम इसको घटाएं तो आ जाएगा 3250 माइनस 1 बराबर 3249, 3249 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा आपका, ये 57 आएगा। इसी प्रकार आगे के दो क्वेश्चन हो जाएंगे।